नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। तुकोगंज पुलिस ने जनता कर्फ्यू के दौरान अवैध रूप से शराब बेच रहे दो भाइयों के घर दबिश दी। मौके से एक आरोपी भाग निकला, जबकि पुलिस ने एक आरोपी को शराब सहित पकड़ा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है, जहां गुमा की फेल स्थित एक घर पर छापा मारकर पुलिस ने एक आरोपी आकाश को देशी शराब के साथ पकड़ा है, जबकि उसका भाई विकास भाग निकला। दोनों लंबे समय से जनता कर्फ्यू के दौरान अवैध रूप से शराब बेच रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपी विकास की तलाश कर रही है। वहीं ये भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ये शराब कहां से लाते थे। आज शाम को अभी आधा घंटे पहले मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि गोमा की फेल में आकाश और विकास दो भाई अपने घर के पास में अवैध शराब देसी शराब बेच रहे हैं। सूचना पर मैं प्रधान आरक्षक पुरोहित जी, बीट आरक्षक जंजीरा के दो बीट आरक्षकों को लेकर दबिश देकर घेराबंदी कर पता किया। मुखबिर के द्वारा बताए स्थान पर उनके घर के सामने दोनों खड़े होकर शराब बेच रहे थे। तलाशी ली तो वहीं घर के पास में क्वार्टर भी और हाथ में पेटियां दो पेटियों में रखे पाए गए, जो लेकर भागने लगे, जिनको घेराबंदी कर पकड़ा है, लाकर अभी केस बनाए हैं। सर, ये कहां से लाते थे, कहां बेचते थे? अब पूछताछ कर रहे हैं, अभी जानकारी नहीं, अभी चूंकि लेके ही आए हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ये शराब कहां से लाए, कैसे लेके आते हैं, इसके संबंध में जानकारी अलग से प्राप्त की जा रही है। सर, आपका परिचय? मैं उप निरीक्षक RL मिश्रा, थाना तुकोगंज। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।